हल्के का रोड शो है और इंशाल्लाह शाम में चंचल गुड़ा जायका होटल पे हमारा जलसा रहेगा। बीजेपी हुकूमत और नरेंद्र मोदी को हटाना है तो सिर्फ एक ही पार्टी से पॉसिबल है और वो है कांग्रेस पार्टी। कई लोग दावे कर रहे हैं कि हम हुकूमत बनाएंगे, क्या कि चीफ मिनिस्टर साहब है केसीआर साहब बोलते हैं कि हम लोग मिलके हुकूमत बनाएंगे। केसीआर साहब को अगर से मैक्सिमम एमपीज भी आए तो 16 और उनके जो दोस्ती है एमआईएम पार्टी से उनको लेके 17, तो 17 एमपी से गवर्नमेंट बनती क्या? 543 एमपीज पार्लियामेंट में रहते, क्योंकि मैं इसको सिंपल रख के आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, और 2 एमपीज नॉमिनेटेड रहते, टोटल 545 का हाफ मार्क मैजिक फिगर 274। तो ये 274 ला सकेंगे ये छोटे मोटे पार्टियां, और अगर से ला भी सके तो ये छोटे पार्टियां कैसे हो जाएंगे? अलीबाबा 40 चोर। गवर्नमेंट तो बना सकेंगे पर गवर्नमेंट टिकती? तो पब्लिक को मैं ये बात समझाना चाह रहा हूं, ये कोई स्टेट इलेक्शन नहीं है, कोई लोकल इलेक्शन नहीं है, ये सेंटर के इलेक्शन है, और सेंटर में आज कौन है? बीजेपी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के वादे एक भी पूरे हुए? जो मैनिफेस्टो उन्होंने रिलीज करे थे 2014 में, उस पर एक भी वादा पूरा नहीं हुआ, और आपके पास वो पूरे वादों की लिस्ट है। तो अब आपको एक ऐसी गवर्नमेंट लाना है जो सबको लेके चलती, हर एक मजहब को, हर एक कास्ट को, हर एक हलके को, हर एक रीजन को, हर एक रंग को, हर एक भाषा को, और मोहब्बत से। आज बीजेपी क्या करे? नफरत फैला रही। अंग्रेज जैसा हुकूमत करे, उनकी पॉलिसी क्या थी? डिवाइड एंड रूल। और कांग्रेस की पॉलिसी क्या है? यूनाइट एंड लीड। यहां तोड़ो राज करो, और यहां पे कांग्रेस जोड़ो आगे बढ़ो। सिर्फ कांग्रेस पार्टी से डेवलपमेंट पॉसिबल है। और रही बात हैदराबाद के एमपी हलके की, आपको सबको मालूम 40 साल से ये सीट एमआईएम के पास है, और आज हैदराबाद कोई खेड़े गांव से भी पीछे है। आज ये बात आपको मालूम, और ओल्ड सिटी जो नाम रखे हैं वो नाम कुछ पहले बदलना है, क्योंकि यहां पे यंग है। ओल्ड सिटी के पॉपुलेशन में मैं जब देखता हूं तो 60% यंग है, और यंग के पास जोश है, यंग के पास ख्वाब है, यंग के पास उम्मीद है। तो ये ओल्ड कहां से हुआ सब? तो इंशाल्लाह पहले ये ओल्ड सिटी का नाम आप और मैं मिलके चेंज करेंगे, पहले आप और मैं मिलके इंशाल्लाह डिसाइड करेंगे, पर वो नाम तो निकालेंगे, वो ओल्ड अच्छा नहीं दिख रहा हमारे, कुछ करेंगे। मुकाबला किसे? बेशक हमारा मुकाबला यहाँ पे एमआईएम से है, क्योंकि बीजेपी डम्मी कैंडिडेट डाले यहाँ पे हर टाइम। हैदराबाद हलके में वेंकैया नायडू, पद्मपाल रेड्डी, और ये एरिया में एलके आडवाणी, सुषमा स्वराज, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, ऐसे बीजेपी के दिग्गज नेता यहाँ फिरते थे। आज एमआईएम से टाइप है उनका, उसके लिए यहाँ पे डम्मी कैंडिडेट डाले। हमारी फाइट नरेंद्र मोदी से, और हैदराबाद के अंदर बीजेपी का डम्मी कैंडिडेट है जो एमआईएम को सपोर्ट करने वाला है, उसके लिए हमारा फाइट एमआईएम